तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपको याद ही होगा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने इंटायर स्टेशनरी कलेक्शन आपको दिखाऊंगी, तो ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ आज। सो गाइस, आप लोग ने क्लीनिंग वीडियो देखा था, डेस्क क्लीनिंग एज वेल एज स्टारलेट के कबर्ड का स्टेशनरी क्लीनिंग। सो आप लोग ने वो वीडियो देखा और आप लोगों ने बोला कि एंटायर स्टेशनरी कलेक्शन दिखाने के लिए, तो हमने बोला था कि हम आपको दिखाएंगे। तो मैं आज थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि हम लोग यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं इस घर में। ये 3 BHK फ्लैट है हमारा और ये रूम हमने स्टार को दिया हुआ है, स्टार और जेवी को बेसिकली दिया हुआ है। उनकी चीज़ें यहाँ पे है, एक बेड है यहाँ पे, इस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जेवन की चीज़ें है। ये कबर्ड में एक तरफ स्टार की चीज़ें है पूरी। तो जितनी स्टेशनरी हम बहरीन से इंडिया लेके आए थे उसमें से काफी सारी स्टेशनरी मुंबई में है और कुछ यहाँ पे है। हाँ, और यहाँ पर आने के बाद भी अमेज़न से हमने ढेर सारे ले लिए ताकि स्टार और जेवी दोनों कुछ कुछ कर सके। तो ये स्टार का स्टडी टेबल है जहाँ पे स्टार बैठ के पढ़ती है। इसका पूरा डिटेल वीडियो भी दिया हुआ है, टूर भी दिया हुआ है, क्लीनिंग भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। आपने डेफिनेटली इसको देखा होगा। इसका क्लीनिंग मैंने दिखाया था और आप लोगों को देख के अच्छा लगा कितना सारा स्टेशनरी है स्टार के पास। तो आज हम दिखाते हैं कि क्या क्या है, एंटायर स्टेशनरी कलेक्शन दिखाएंगे जो हमारे पास इंडिया में है स्टार के। ऑलराइट, लेट्स डू इट। ओपन ओपन ओपन, व्हाट्स इनसाइड? सो दिस इज द कैबिनेट, आप लोग ने देखा होगा स्टार का। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अप। अप इज ऑल द बुक्स, बुक एंड फाइल्स ऑफ स्टारलेट्स, जो बहरीन का स्कूल का था ना, स्टारलेट का स्कूल का कुछ डॉक्यूमेंट्स है प्लस बुक्स है जो स्टार डेली बेसिस में बैठ के करती है, पढ़ती है। यस, ओके। और कुछ बुक्स वहाँ पे भी रखे हुए, तो दैट्स इट। और यहाँ पे एक बैग रखा हुआ है रैंडम, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी बहुत है यहाँ पे, मतलब हमारे पास कैबिनेट्स की कमी है। कैबिनेट्स की कमी है तो जहाँ पे जो चीजें दिखती है, आपने देखा होगा कि कैबिनेट्स की ढेर सारे है, अनलिमिटेड स्पेस है, बट यहाँ पे कैबिनेट्स की कमी है तो वी डोंट हैव मच स्पेस, तो हम लोग इधर उधर स्टफिंग करके रखना पड़ता है। फिर भी स्टार को अच्छा खासा स्पेस दिया है हमने उसकी चीजें रखने के लिए। ये तीन जो है ना, ये तीनों कैबिनेट, तीनों नहीं चारों इनफैक्ट मैं बोलूंगी स्टार के कैबिनेट्स है। तो जैसे ही आप डोर ओपन करोगे, स्टार बताओ क्या क्या है। ये मेरा एक छोटा सा होल्ड टांगने का है, इसमें मैं अपने तो यहाँ पे स्टार का क्या है, पॉपेट बैग है। ये बहरीन से हमने लिया था, ये वाला पॉपेट बैग नहीं लिया नहीं था, ये तो स्टार को सांता, सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग ने लिया नहीं था, ये सांता क्लॉस ने गिफ्ट दिया है स्टार को दिसंबर। जोया ने मुझे दिया था, ये एक स्वेटशर्ट के साथ था वो। हाँ, स्वेटशर्ट के साथ वो बैग इंक्लूडेड था। यस, और फिर ये बैग हमने अभी रिसेंटली मुंबई के परचेज में हमने ये लिया था हैंडबैग। तो ये एक स्टार का, फिर ये वाला भी हमने बहरीन से लिया था, क्यूट यूनिकॉर्न पाउच है ना। और ये तो मैंने DIY बनाया, आपको याद ही होगा कि मैंने फ्लावर आर्ट किया था, तो ये मैंने कट आउट करके एक किचन में लगा दिया है। और फिर क्या है, फिर कीचेन है, वनमो कीचेन। तो ऐसे 2-3 कीचेन है स्टार के पास जो टंगे हुए है यहाँ पे। इसको स्टार ने यहाँ पे क्यूट सा उसका ना, यहाँ से हमने लिया था, ये प्रिंसेस वगैरह टाइप के ना, डिज्नी प्रिंसेस के जो है ना हैंगिंग वाले, उसमें से। फिर ऊपर है स्टार में कुछ अपने ड्रॉइंग्स पेंटिंग्स बना के, मैंने स्पिल आर्ट किया था। ये स्पिल आर्ट है, ओके। सो दिस इज डोरेमोन स्पिल आर्ट जो स्टार ने किया है। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताना, स्टार डेफिनेटली कुछ और कैरेक्टर में बनाएगी। और मे बी आई विल यूज ऑयल पेस्टल्स टू मेक वन। व्हाट? ऑयल पेस्टल्स, सीनरी टाइप। यस, एंड देन दिस इज द एक्वा पेंस पेंटिंग जो आपको पता होगा स्टार ने बनाया था वो है। yes. पीछे कुछ है क्या? नहीं. कुछ है लेकिन दिख नहीं रहा है। ओके, सो यहाँ पे कुछ है, वाटरमेलन, कुछ कुछ स्टिक किया हुआ है स्टार ने। तो ये स्टार का जैसे ही डोर ओपन करो ना, ये सेक्शन आता है। ओके, एंड नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद अप ड्रॉवर। ड्रॉवर ओपन, यहाँ पर मेरे सारे पेंटिंग के आइटम्स रखे हुए हैं। पर इसमें कुछ मुझे लॉलीपॉप्स भी दिख रहा है, ये जेवी के लॉलीपॉप्स आए थे, ये छुपा के हमने रखे ताकि जेवियन को एक एक करके निकाल के दे, वरना एक ही साथ वो 2-3 खा लेगा। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे छुपा के रखे हुए। यस, ओके। तो पहले फर्स्ट में आता है मेरे क्रेयॉन्स, वैक्स क्रेयॉन्स। ये एक छोटा सा सेट है, मैं क्रेयॉन्स ज्यादा यूज नहीं करती, जेवी यूज करता है, बट स्टार भी यूज कर लेती है, कभी कभार यूज कर लेती हूँ। फिर मेरे पास है 2 ऑयल पेस्टल्स, एक कलर अप का और एक डोम्स का ऑयल पेस्टल्स है। ये एक सेट में आया था ना कुछ कुछ। हाँ, और ये मैंने इधर से ही लिया था।
सो ये स्टार सब पेंटिंग वगैरह के लिए यूज करती है। ये मेरा एक वाटर कलर केक्स है, व्हिच इज वाटर कलर्स कैमल का। कैमल फिर डोम्स के आता है वाटर कलर ट्यूब्स, ये स्टार को बहुत पसंद है। यस, स्टार इससे सबसे ज्यादा पेंटिंग इससे करती है, डोम्स से। यस, फिर आते हैं मेरे वाटर कलर पेपर्स। यस, ये कैंसिन का वाटर कलर पेपर्स है। यस, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है वाटर कलर पेपर आई यूज, ताकि आपका पेप मतलब एकदम वेट जैसे ना हो जाए। नॉर्मल पेपर पर अगर आप पेंटिंग करते हो तो इजिली वो ऐसे रिप वगैरह हो जाते हैं जब भी आप पार्टी वगैरह डालते हो, लेकिन ये वाटर रेजिस्टेंट है। ओके, फिर मेरे पेंटिंग स्टोन पेंटिंग्स, बहुत सारे स्टोन पेंटिंग पेपर। तो ये बहुत सारे स्टोन पेंटिंग्स है स्टार के। एक और है लेकिन हाथ में जगह नहीं है। इससे मैंने ये बनाया था, ये डोम्स के वाटर कलर पेन्स, एक्वा पेन्स। यस, ये रखे हुए पंजेस एंड अ पैलेट, अनदर पैलेट एंड वाटर कलर ट्यूब्स, अनदर स्मॉल लिटिल कैमल के, कैमल का। मुझे वो पेंटिंग किट में मिला था। फिर डोम्स का चीप 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 ट्यूब, इससे पेंटिंग करना है अपने को। हाँ, ओके। ये एकदम जैसे ही मैंने पैकेज खोला तो मुझे टूटा हुआ मिला, ब्लैक कलर सेपरेटेड है। ओके, और इसका पेंट ब्रश एकदम खराब क्वालिटी का। और फिर लॉलीपॉप स्टोन्स, मोर स्टोन्स। फिर फेबर कैसल का पोस्टर कलर जो मैंने बहन से लिया था, तो ये भी है स्टार्टर, 12 सेट का है। ओके, फिनिश। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेंट ब्रशेस इनसाइड अ पाउच। ओके, ये स्टार का ग्लिटर पाउच है, लिक्विड ग्लिटर पाउच है, जो हमने बहरेन से लिया था। yes. इसका भी हम लोग ने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, वैलेंटाइन डे के लिए लिया था। अच्छा, मम्मा ने आपको दिलाया था वैलेंटाइन डे पे। ओके, सो ये मैंने स्टार को दिलाया था, तो इसीलिए इसमें स्टार ने ब्रश डाल के रखे, पूरे पेंट ब्रशेस डाल के रखे, क्योंकि पहले तो स्टार ने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। फिर स्टार ने सोचा कि स्कूल शुरू होगा तो वो स्कूल लेके जाएगी, बट फिर स्टार के पास और भी अच्छे अच्छे पाउचेज आ गए, तो स्टार ने इसको कचरे में डाल दिया। लेकिन फिर भी यूज तो करती हूँ। हाँ, ओके, ओके। कुछ डालने के लिए यूज तो हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये है, ये ड्रॉअर, मतलब दिस इज एक्चुअली अ पेंटिंग ड्रॉअर। अब मुझे वापस ठीक करना पड़ेगा, तो आप ठीक कर दो, तब तक हम लोग मैजिक से ठीक करते हैं। देखो डन हो गया 3 सेकंड में। हाँ देखो, मैजिक हो गया, सब क्लीन। yes. डन, बंद करो, लेट्स गो डाउन सेक्शन। यस, दिस इज I don't know what section, but start धीरे धीरे बताएगी क्या है। मैं बस इसमें random चीजें रखती हूँ, दोनों चीज में random। Okay, एक एक करके निकालो, मैं बैठ जाती हूँ आराम से। ये liquid मेरा lipstick pen है। ये मुझे बहुत पसंद है। फिर मेरे books, diaries, small diaries, mini diaries। Okay. And then my bunch of tapes. Star uses a lot of tapes. उसको हर चीज के लिए टेप्स चाहिए रहता है, तो ये सारे उसके टेप, क्लियर टेप्स है, डबल साइडेड टेप है, ब्राउन टेप है, थिक डबल साइड टेप है, 2 मास्किंग टेप है, 3 क्लियर टेप्स है, 1 अभी तक खोला नहीं लेकिन 2 खुल चुके। ओके, सो ये सारे टेप्स है। ओके, ये गैजेट, तो ये न्यू एस का हमारे पास आया था। आप इसका भी वीडियो मैंने बनाया था, इसके कुछ स्मार्ट किट्स को यूज करने के लिए, कैलकुलेटर, पेन्स, डायरी वगैरह सब मिला था ना, तो उसमें डायरी वगैरह सब रख के एलसीडी भी मिला था। हाँ, एलसीडी तो जेवी ने खत्म कर दिया उसको, तो ये वाला जो है ना, ये पैकेज है इसमें, तो इसमें स्मार्ट पेन, स्मार्ट डायरी सब है, तो ये स्टार ने रखा है, कैलकुलेटर वगैरह भी रखा हुआ है, तो वो तो ऐसे ही रखा हुआ है, स्टार ने अभी तक यूज नहीं किया, शी विल यूज इट लेटर। लेट्स कीप इट, लेट्स कीप इट बैक। And then my washi tapes. तो बहरेन में जब हमने जो किया था स्टार का एंटायर स्टेशनरी कलेक्शन, तब हमारे पास बास्केट थे, तो हमने सारे निकाल के रखे थे नीचे और हम वैसे ही आपको दिखा रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हमको एक एक करके निकाल के आपको दिखाना पड़ रहा है। सो दिस इज स्टारलेट्स वॉशी टेप कलेक्शन। ये सारे वॉशी टेप्स है स्टार के पास, कुछ हैंडमेड, कुछ ग्लिटर्स वाले, कुछ नॉर्मल वाले, कुछ यूनिकॉर्न वाले, फ्लेमिंगो, गैलेक्सी, क्लियर टेप्स आल्सो देयर, अ लिटिल ऑर्गेनाइज्ड एंड सम लॉट ऑफ टेप्स। ये सब स्टार के एक बास्केट में स्टार ने डाल के रखा है, जो अभी रिसेंटली हमने ऑर्गेनाइज करते हुए नहीं दिखाई, ये अभी हमने नया बास्केट लिया। हाँ, इसको स्टार ने एक छोटे से कार्डबोर्ड में डाल के रखा था, बट स्टार ने अभी एक नया बास्केट लिया जिसमें स्टार ने ये डाल के रखा है। फिर ये गमती फ्लावर, ये फ्लावर अभी हल्दीराम के उसमें से निकला है, तो स्टार ने रख लिया उसको।
फिर ये गिफ्ट बॉक्स, एम्प्टी गिफ्ट बॉक्स जो सबको किसी को गिफ्ट देना तो स्टारबक्स में दे देती है। ये आई थिंक मेरा फोटो एल्बम है, स्टेशनरी एल्बम है। स्टेशनरी एल्बम मेरे से स्टेशनरीज वगैरह है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें स्टेशनरी डालती है, बलून्स। अच्छा अच्छा, तो ये स्टार का स्क्रैप बुक को स्टार ने स्टेशनरी बॉक्स बना दिया। नहीं, ये फोटो एल्बम। फोटो एल्बम, ओके। फिर ये भी खाली डब्बा इसमें पता नहीं क्या है, ये स्टिकर्स। ये सारे स्टार के स्टिकर कलेक्शंस हैं। स्टार पार्ट से दिया स्टिकर बना दिए थे ये, बाकी तो सारे स्टिकर्स हैं स्टार के पास, बहुत सारे स्टिकर्स हैं। अलग से अगर आपको स्टिकर कलेक्शन देखना हो तो बताना, अलग से दिखाएंगे, बट ये सारे स्टिकर्स अभी खोल के पूरा नहीं दिखा सकते। सो दिस इज स्टिकर्स बनाए, हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जो भी मेरे कलेक्शन के जैसे टेप्स ये स्टिकर वगैरह जो भी है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कलेक्शन देखने में पसंद आएगा तो फिर आप हमें बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। फिर है ये रैंडम क्यों ऐसे लगा, फाइल में क्यों नहीं रखा? आई डोंट नो, ये मैंने खेलने के लिए निकाला था, फिर ऐसे ही छोड़ दिया, मेरे को उधर ही रख दिया। तो ये स्टार का मर्मेड हाउस है, केक मेड का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है, बट वी डोंट हैव प्लेस दैट वी गो एंड गेट प्रिंट आउट्स एंड वी डोंट हैव टाइम आल्सो टू मेक दैट थिंग। दिस इज स्टैम्प आर्ट, एक सेपरेट रखा है। डब्बे में बहुत सारे रैंडम आइटम रखे हैं, विक्रिल मोल्डेड क्ले, फिर मेरे ग्लू स्टिक्स है, स्टॉपर्स, ये स्टैम्प्स, मतलब जो कहीं भी नहीं मिलेगा वो इसमें मिल जाएगा। पंचर्स, फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले, कीचेन के ये रिंग्स और कीचेन वगैरह बनाते हैं, एंड वन मेडिसिन स्ट्रिप आल्सो फॉर आई डोंट नो फॉर व्हाट। तो ये स्टार का रैंडम DIY बॉक्स है जिसमें सारे रैंडम चीजें रखे हैं, एंड डायरी, ये बटरफ्लाई डायरी, ये सीक्वेंस डायरी एंड ये स्टार का यूनिकॉर्न डायरी। तुम्हारे और भी डायरीज है या हमारे मुंबई, मुंबई में है डायरीज? मोर डायरीज आर देयर, सो जस्ट 3 डायरी स्टार इधर लेके आइए जो स्टार को बहुत ज्यादा। स्मॉल डायरीज ग्लिटर, ये डब्बे वाला ग्लिटर जो बैरन से लिया था। तो ये है ये सेक्शन में, सो दिस स्टेशनरी सेक्शन इज डन, वी विल सी द नेक्स्ट दिस वन। सारी ये सब उठा के रख रही है, यस अगेन मैजिक। तो हो गया फिर से हमारा मैजिक, बहुत अच्छा है, इतनी जल्दी हो जाते सब क्लीन हो गया है। सो गाइस हम लोग इसलिए भी क्लीन करके रख रहे हैं क्योंकि मेस नहीं कर सकते, वरना बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा और स्टार को फिर पूरा बैठ के क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम थर्ड वाले ड्रॉअर में चलते हैं और इसके लिए हम लोग नीचे बैठ जाते हैं ताकि आराम से आप लोगों को दिखा सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेंस 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 एंड पेंस हैं। यस, तो आप लोगों को देखना होगा पेंस वगैरह, तो वो दिखा लेते। ओके, तो मैं पहले अपना सबसे बड़ा बॉक्स दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, दिस इज द लार्जेस्ट बॉक्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर इन दिस। सो ये इसमें ये एक बॉक्स है, उसके अंदर भी बहुत सारे सो गाइज ये है, इसके अंदर बहुत सारे होल्डर्स है। ये स्टार के पास एक ऐसे सिंपल सा बॉक्स रखा हुआ था तो वो स्टार ने उसमें डाल के रखा है, और मेरे होल्डर्स एकदम परफेक्टली बॉक्स के अंदर भी फिट हो गए। यस, नाइस। सो फर्स्ट मैं दिखाती हूँ इस वाले से जिसमें बहुत सारे क्यूट जो लिए पेन्स भी है। तो ये फर्स्ट में आता है हमारा फेदर पेन, ये पर्पल कलर का फेदर पेन है। फिर स्क्वीशी पेन, आइसक्रीम स्क्वीशी पेन मुझे बहुत पसंद है। फिर मेरा फ्रॉग स्क्वीशी पेन, फिर मेरा मर्मेड, ये मेटालिक जैसा पेन है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा न्यू बाय है। फिर मेरा फर पेन, यूनिकॉर्न फर पेन, ऐसे इसके कलर्स चेंज होते हैं और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ये भी मुझे बहुत पसंद है। फिर है ये वाला, ये भी वैसे ही फंक्शन का है लेकिन इसमें फर नहीं है, वो इसके कलर्स चेंज होते हैं और ये LOL का है। फिर डायनो पेन, वो भी सेम फंक्शन का है, ऐसे उसके कलर्स चेंज होते हैं। फिर ये है ऐसे ग्लिटर लिक्विड पेन है और इधर पेन है, इसी वाला और एक था ना आपके पास होल्डर, अच्छा होल्डर में वो भी दिखाएंगे हम। ये स्वान का है, फिर ये मेरा वो है रेनबो इंक यूनिकॉर्न पेन और इसके यूबीसो से लिया था। यस, यूबीसो से लिया था और इसके एंड में एक फ्लावर है और ऊपर ऐसे यूनिकॉर्न लगा है।
फिर मेरा सीजर पेन, दूसरा सीजर पेन होल्डर में है मेरे टेबल पे, ये लामा रेनबो लामा का है। फिर ये है मेज पेन पेंसिल पेंसिल, ये मतलब ऐसे चेंज होता रहता है पेन पेंसिल वो बोलते हैं। और ये आफ्टरनून कुछ लिखा है इसमें, आफ्टरनून टी। ओके फिर है मेरा डीआईवाई स्ट्रॉबेरी स्केल स्केल पेन बोल बोल के पेन हो गया पेन हो गए। ओके अनदर रैंडम परमानेंट मार्कर थ्री परमानेंट मार्कर, वन रेनबो पेन पेंसिल, वन रेनबो पेन पेंसिल, वन रेनबो क्रेयॉन मतलब ऐसे चेंज होता रहता है वो। God, so many things. There are more, in fact. आपको दूसरे होल्डर में भी दिखाएंगे, इधर भी बहुत कुछ है। One highlighter, one unicorn book, pen topper. ये glitter pen है, दो ये erasers है मतलब ऐसे खोल के वो ऐसे निकलता है, दो है वैसे, एक very moody pen. पेंसिल पेन पेंसिल मिनी वाला फिर लिपस्टिक पेन लिपस्टिक रबर व्हाट इज हैपनिंग टू यू इरेजर लिपस्टिक इरेजर रबर व्हाटएवर ओके अल्कोहल एवरीथिंग पेन फिनिश्ड ओ गॉड थैंक गॉड। तो इन सबको वापस रख देते हैं जल्दी जल्दी। तो ये है, ये स्टार के सारे जो है ना कनेक्टर पेन्स है, फेवर कैसल्स के कनेक्टर स्केच पेन्स है। इसको ये वाला प्रिंगल्स वाले डब्बे में डाल के रखा हुआ है। अब इसमें जो है ना स्टार के डॉम्स के पेन्स है, मेप्ट के पेन्स है, स्केच पेन्स है, मैजिक मेप्ट के पेन हाँ, और साथ में फाइन राइटर का पेन है, लग्जर का ब्रश पेन है, और क्या क्या इसमें ग्लिटर पेन्स है। ग्लिटर पेन उसमें क्यों रखे, इसमें डाल दो ना। एक ग्लिटर पेन्स भी इसमें रखा मैंने, ये देखो। अच्छा बहुत सारे ग्लिटर पेन्स भी है, देख सकते हैं आपने ग्लिटर पेन्स भी है। तो ये होल्डर में ये सब कुछ है। ओके एंड ये एक रैंडम और एक होल्डर है जिसमें कुछ टॉपर्स है, ये स्टार ने बनाए थे DIY करके ना, तो वो टॉपर है। ये कीचेन भी स्टार ने DIY करके बनाया था, यूनिकॉर्न पॉपेट कीचेन। फिर इसमें हाइलाइटर्स है, ये भी स्टार ने बनाया था ये टॉपर, ये वाला सीक्वेंस वाला। ये क्या है, ये कैमल के कैमलिन के जो फाइन टिप मार्कर पेन्स है ना उसके कुछ है स्टार के पास रखे हुए। अभी भी नहीं घुस रहे कुछ भी, हाँ कुछ भी नहीं घुस रहे। तो ये स्टार के सारे जो मतलब स्केच पेन्स है, कैमलिन मिनी सीजर, हाँ मिनी सीजर बहुत पुराना सीजर है ये, बहुत पुराना मतलब क्या बताऊँ मैं कितना पुराना है ये। जब जेमी पैदा हुआ था तब का। अच्छा फिर ये स्टार का वो क्या बोलते हैं होल पंचर, राइट। सो ये स्टार ने इसमें डाल के रखा हुआ है। तो ये स्टार का सारा होल्डर्स है। फिर अभी वो वाला भी दिखा दो, कैमलिन के जो है ना ब्रश पेंस। तो ये कैमलिन के ब्रश पेंस स्टार ने ये बैस्किन के इस पे रखा हुआ है, रॉबिन्स के डब्बे में रखा हुआ है। फिर वो और स्टार के पास और भी एक और होल्डर है, इसमें भी कुछ कुछ रैंडम चीजें रखी है, ग्लू स्टिक्स एंड कटर एंड ट्वीजर। यस ये स्टार के पास क्यूट वाले ग्लू स्टिक्स है ना जो स्टार ने बहरीन से लिए थे, पॉ वाले और रेनबो वाले, जो बहुत लोगों ने पूछा था कहाँ से लिया हमने बहरीन से लिया था, और कटर है। एंड देन स्टार के पास और भी पेन, ये डब्बा में पेन आया था सेलो के, इसमें स्टार ने सारे पेन और रैंडम बहुत सारे चीजें पेंसिल जो भी स्टार यूज नहीं, करेक्शन पेन इनविजिबल पेन सब कुछ रखा हुआ है। और ये आर्ट मार्कर्स है, ये आर्ट मार्कर्स भी हमने बहरीन से लिया था, तो ये वाला आर्ट मार्कर्स स्टार के पास यहाँ पे रखे हुए। ये डबल टिप का है मतलब ट्विन मार्कर्स है, ट्विन साइड ब्रॉड है और एक साइड फाइन है। दिखा दो, ये ब्रॉड का साइड है एंड दिस इज द फाइन साइड। ओके सो ये बहुत ज्यादा डार्क है, मतलब बहुत ज्यादा डार्क नहीं, ये मतलब बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है, मतलब फैल जाता है उसका इंक। हाँ मतलब दो तीन पेपर लगा, पेपर पे नहीं कर सकते, आई थिंक आपके वो वाटर पेपर पे कर सकते हो आप, उस पर ट्राई करना। यस तो ये स्टार के सारे जो स्केच पेन्स मार्कर्स और ये सब कुछ ना स्टार का ये है। अब स्टार जो आपके काउंटर पे रखा है ना वो वाला होल्डर भी लेके उसकी भी चीजें दिखा देते। तो जब एंटायर स्टेशनरी कलेक्शन दिखा रहे थे स्टार के डेस्क पे जो है वो उसका भी दिखा देते कि स्टार ने डेस्क पे भी, हमने ये नहीं दिखाया, मेरे पास मिनी पॉम्पॉम्स है। अच्छा मिनी पॉम्पॉम्स। तो स्टार के डेस्क का स्टेशनरी आपको दिखा देते हैं,
तो ये देख सकते हैं, ये ऐसे वाला कटर है, वैसे ही स्टार के पास और एक है अंदर पड़ा हुआ है। हाँ। एक डायरी है। हाँ। और एक ये फाइन राइटर क्या है, फिर मेरे पेन्स है, एक सेलो का कलर बॉम्ब पेन है, एक स्माइली पेन है, बहुत सॉफ्ट है, आई लाइक टू रब इट ऑन माई फेस, हाइलाइटर, पोस्का मार्कर, मैकेनिकल पेन पेंस, ये दूसरा कैमलिन का ब्लैक फाइन टिप है, इसमें कुछ क्यूट पेन्स भी है, ये लिक्विड ग्लिटर यूनिकॉर्न पेन है, फिर डोम्स की ये परफ्यूम्ड गम्स है, इससे आप स्लाइम बना सकते हो, फिर डाइनो पेन, ये दूसरा सीजर पेन है, अनदर ग्लिटर पेन, ये बहुत ही बड़ी सा पेन है, सिंपल पेन, और वाइट ग्लू और स्टेपलर पीछे रखा है, और इस के बाद रैबिट पेन भी है। तो कुछ कुछ क्यूट पेन स्टार ने अपने होल्डर में डाल के डेस्क पे रखे हैं। यस, तो ये पेन्स और सब रैंडम चीजें हैं। फिर यहाँ पे सीजर्स, स्केल, सीजर्स, स्केल, मेरे बुक मार्क्स, कटर्स वगैरह सब कुछ है, करेक्शन पेन, या दैट्स व्हाट आई हैव इन दिस। तो ये देखिए, ये सारे होल्डर्स है स्टार के, सब कुछ यहाँ पे रखे हुए। ओके, नेक्स्ट, पाउचेस में भी बहुत चीजें रखी हैं, पाउचेस में भी हमने बहुत यूनो कार्ड जिसके साथ नहीं खेलती क्योंकि कोई भी नहीं खेलने के लिए। ओके, फिर ये हार्ट बॉक्स है जिसमें रैंडम चीजें, अगेन ये फैब्रिक ग्लू है, ये मेरा शार्पनर, ये शार्पनर इसमें क्या कर रहा है, आई डोंट नो, एलओएल स्टैम्प्स है, पेपर्स, वेरी रैंडम थिंग, और ये आपने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देखा होगा, एलओएल। ओके, फिट इनसाइड, एक बार खुलने के बाद फिट नहीं होता एक बार वो ही समहाउ उस वक्त हम फिट कर लेते हैं, देन इट डजंट बट बाद में नहीं होता So, ये पाउचेस में भी बहुत कुछ चीजें रखे हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। This is like never ending. Star के stationaries are like never ending. अभी ये drawer भी है, don't forget. This one has contains hot glue sticks. Hot glue के sticks है, thank God. This one has? I have no idea what's inside. Markers. Sketch pens, markers. All kinds of sketch pens. My Faber-Castell dual tips. Faber-Castell ones, Luxure. The mini cheap. मतलब हर टाइप स्केच पेन इसमें मिलेगा। स्केच पेन्स है वो सारे एक पाउच के अंदर। Yeah. Next. This one is empty. क्योंकि अच्छा है इसलिए इसमें कुछ रखा नहीं है। It's good and empty. Okay. स्टार के पास पॉपेट पाउच भी है। Yeah, पॉपेट पाउच is also empty. ओके, सो दिस इज पॉपेट पाउच, ये भी एम्प्टी है। देन आई हैव दिस वन, आई हैव नो आइडिया व्हाट्स इनसाइड, इरेजर्स एंड शार्पनर्स, ये मेरे क्यूट इरेजर्स है, यूनिकॉर्न इरेजर, फूल इरेजर, डोरेमोन इरेजर एंड सिंपल इरेजर्स एंड शार्पनर्स। सो इसमें सारे इरेजर्स और शार्पनर्स, तो आपका आपका वो जो रैबिट वाला शार्पनर इसमें ही डाल दो ना। या दिस वन इज अ रैंडम पाउच आई गेस, yep, random items, pocket, stamp, seashell, balloons. बापरे random चीजें बहुत होती है। Yeah. Color pencil pouch. Open. ये सारे सारे Faber-Castell के color pencils हैं। Okay, so ये star drawing वगैरह के लिए कभी use कर लेती है। Yes. This one, I think this is good something. My tattoo gel pens. टैटू जेल पेंस, क्या पाउच के हालत बना के रखे हुए हैं। पाउचेस सारे धोने पड़े, ये पाउच में हमने चीजें भी करी, मार्कर्स लिए थे तो इसलिए वो सारे, इसलिए वो गंदे हैं। दिस पाउच इंक्लूड रैंडम आइटम्स, जब मैं मुंबई से आ रही थी तो मुंबई से मैंने कुछ कुछ आइटम्स उठा लिए थे और मैंने पाउच में डाल दिया और अभी तक निकाले ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट, दिस इंक्लूड्स फिचर, ग्लिटर ग्लू, lots of glitter glues in this LOL pouch. Yeah. Finally, pouches are getting over. Glitter, lots and lots of glitters. Pastel, an empty pouch. Okay, flat. Fine. So guys, ये था ये इसमें section में.
इस सेक्शन में अभी सब उठा के फटाफट रख देते हैं और उसके बाद आपको लास्ट ड्रॉर दिखाते हैं जल्दी जल्दी. ओके हो गया है क्लीन. अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरे ड्रॉर में क्या है. सर ड्रॉर में भी बहुत सारी चीजें रखी है. यस एक यहाँ पे बैग के अंदर बहुत सारे क्या रखे कलर पेपर्स स्टिकी कलर्ड पेपर्स A4 साइज पेपर्स एंड पेपर्स. ओके फिर नीचे ये बैग अभी भी स्टिच करना है हमें क्योंकि हमें टेलर नहीं मिला. टेलर नहीं मिल रहा हमें. फिर मेरा है डोम्स का इरेजर. मतलब इसमें बहुत सारी चीजें जो यूज नहीं कर रही है स्टार पैक्ड है. और इसमें पेन ये फैबर कैसे का ये इरेजर्स है. मेरे पास एक्चुअली मुझे दो मिला था इसका फाइन राइटर का तो एक मैंने अपने होल्डर पे रखा और एक अभी भी पैक्ड है. फिर हॉट ग्लू गन है मेरा. ज्योमेट्री बॉक्स है उस तरफ. मेरे फिजेट्स है फिजेट्स एंड पॉपेट्स एंड स्लाइम्स. फिर एक फाइल में इसमें अभी क्राफ्ट और पेंटिंग के आइटम्स मैं इसमें डाल रही हूँ. और इसके पीछे एक ग्रीटिंग कार्ड DIY ग्रीटिंग कार्ड का किट रखा हुआ है. सो ये है इसमें राइट फिनिश. ग्रीटिंग कार्ड के बॉक्स में आई थिंक और भी रैंडम और भी चीजें पड़ी है. सो ये है स्टार का सब कुछ जो अनयूज चीज़ें है वो स्टार ने नीचे रखी हुई है. वैसे ये भी चीज़ें काफ़ी अनयूज ही है. ज़्यादातर आजकल होता नहीं क्योंकि स्टार ज़्यादा पढ़ाई करती है तो इसलिए काफ़ी सारी स्टेशनरीज है स्टार के पास. तो इसलिए मैं कुछ बाय नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्टार के पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो स्टार को यूज़ करके ख़त्म करनी है. सो ये भी काफ़ी सारी अनयूज ज्योमेट्री बॉक्स भी है स्टार के डॉम्स का हम बहरन से लिख के आए थे ना. तो ये तो जेवी भी मिलके यूज करता है. सो दैट्स इट. यस दिस वाज स्टारलेट्स एंटायर स्टेशनरी कलेक्शन. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक बहुत बड़ा सा लाइक दीजिए और इसको काफ़ी सारे लोग देखिए और इसको भी काफ़ी व्यूज़ दीजिए. आई होप आपको और भी पसंद आएंगे. और भी आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन से वीडियोस चाहिए. हम डेफिनेटली इसको कौन सी कलेक्शन के सेपरेट वीडियोस चाहिए आपको कौन सा अच्छा लगता है आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं तो आप हम उसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे. डेफिनेटली वी विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो. ओके चलो एवरीबॉडी सी यू टेक केयर बाय बाय ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.